चलिए अब आ रही जुगलबंदी और महाराष्ट्र की एक इंफ्रा कंपनी को शॉर्ट करने की राय है कुणाल जी और बंसल जी के, तो ये शुभ काम तो आप ही के हाथों से होना चाहिए। मैं तो बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, इसके लिए क्रेडिट आपको जाएगा। बिल्कुल सही पहचाना, जैसा कि आप पहचान लेते हैं हमेशा। और देखिए इसमें एक ब्रेकडाउन है, काउंटर का नाम है IRB इंफ्रा, जिसमें की एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्रेकडाउन आते हुए चार्ट्स पर नजर आ रहा है। 190 रुपए इसके लिए एक बहुत मेजर सपोर्ट था और 2015 के बाद यानी कि आज 2014 के बाद यानी कि 4 सालों के बाद आज पहली बार IRB ने इस मेजर सपोर्ट को तोड़ा है। चार सालों के बाद ये कौन सा लेवल टूटा है? ये 190 रुपए का लेवल है जी, जिसको 4 इयर्स के बाद इसने डिसाइसिवली आज क्लोजिंग बेसिस पर तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि बड़ी गिरावट के लिए काउंटर तैयार हो रहा है, तो बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। और इसमें देखिए जो बड़ा सपोर्ट है वो सीधा 155-156 के आसपास है, जो कि यहां से 10% नीचे दिखता है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट के लिए काउंटर तैयार है, तो बिल्कुल सेल करना चाहिए। इसके अलावा इसके डेली चार्ट पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाए, तो बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है शॉर्ट करने की राय है। फंडामेंटल रीजन भी परफेक्ट है, महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन बैन है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान तो इन्हें उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा, सबके लिए बैन है। और मैं तो कल से बोल ही रहा हूँ कि भाई, और आज सुबह भी मैंने बोला कि IRB शॉर्ट करना चाहिए, तो आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन बंसल जी मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, आप तो अपना कारण बताओ, डरना नहीं ना 7% 6% नहीं, कितना 5% नीचे कोई डरने की बात नहीं ना अनिल जी? डरना इसलिए नहीं है, जैसे भी कुणाल जी ने बोला, 4 साल की कंसोलिडेशन से स्टॉक में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। चार्ट्स पे अगर कोई भी इसका वीकली चार्ट करेगा तो आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बनेगा और नीचे में 177-178 एक मेजर सपोर्ट था, वो लेवल्स टूटे हैं अनिल जी, और बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकडाउन है। और यहां पर जो टारगेट बैठता है इस ब्रेकडाउन का, एक बड़ा टारगेट 135 से लेकर 140 रुपए का बैठता है। हाँ अनिल जी आप तो और भी आगे बढ़ रहे हो, अलग अलग चार्ट देते हैं अलग। इसमें एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 8% नीचे है, तो अगर अभी आप इसको बेच रहे हैं किसी भी उछाल में बेचिए, अगर अभी बेच रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर आप उछाल में बेचते हैं बहुत बढ़िया। जब हमने बोलना शुरू किया था उस समय 5.5-6% नीचे था, करेक्ट, अब ये 8% नीचे है, 178 था आपने जब बोला, अभी 174 है, फ्यूचर बता रहा हूँ मैं, उछाल में बेचे बेहतर है। उछाल मतलब कितना ऊपर आ सकता है? 1-2 रुपए अभी ऊपर आए थे, बस अरे उसको उछाल। देखिए अभी तक क्या था IRB की फितरत क्या रही है, जितनी बार भी ब्रेकडाउन देता था ना, ये छोटे छोटे ब्रेकडाउन देता था तो इसमें पुल बैक शार्प आता था, जैसे आज लेवल तोड़ा कोई तो कल आज का हाई निकल जाएगा, बट आज जिस तरीके का ब्रेकडाउन है मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एक पुल बैक यहां देखने को मिलेगा। बिकवाली करनी चाहिए, बट कुणाल जी जो कह रहे हैं कि हमने अनिल जी इसको 178.5-179 करा था, हाँ। तो वो जब तक नंबर आया डिम्पी जी ने हमको चांस दिया, 177 तब भी था भाव जब मैंने बोला वो, तो क्योंकि मुझे पता ही चल गया कौन सा शेयर तो मेरे रडार पे पहले था, आपके बोलने के पहले मैंने भाव देख लिया, आपके दिमाग में कब आया ये नहीं पता मेरे को। अब अनिल जी ये बताइए इस पर सील आप लगवाएंगे कब? 100% लगवाएंगे, 155 होते लगवा देंगे। दिस इज टू मच अनिल जी, यस यस टू मच, 155 लोग आज बाहर यही बोलेंगे कि जैसे अभी आप रजत को कह रहे थे भैया आप FNO में स्टॉक नहीं आ रहा, आप काम नहीं कर रहे हो बहन में, आप तो लाइटर नोट पे बोल रहे हो, ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। कहाँ लगवानी आप बताइए इसी अनिल जी, मेरे को तो तभी संतुष्टि होगी जब आप एक मिनट आप आराम से सोच लो सील कहाँ लगवानी, तब तक एक राय मैं आशीष जी से ले लूँ। आशीष जी IRB इंफ्रा पर राय दीजिए अपनी। जी बिल्कुल अनिल जी, और कुणाल जी और बंसल जी दोनों ने ही इसके पूरे जो रीजन है वो बताया, और 4 साल का एक मेजर ब्रेकडाउन, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब पूरी एक रैली इंफ्रा में आई थी तब ये स्टॉक ने आउट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था, तो ये उसके पहले भी सिग्नल तो दिखाई चुका था। और आज जो ब्रेकडाउन है वो मल्टी ईयर ब्रेकडाउन है, 7% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन है, तो डेफिनेटली 160-155 की जो जगह है वो स्टॉक में बनेगी। और इसको प्ले करने के लिए, क्योंकि अब फ्यूचर्स में 9-10% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और आपको प्ले करना है, तो आइडियल वे होगा 170 की पुट ऑप्शन इसमें अगर से लेकर चले तो वो भी मुझे लगता है एक सेफ स्ट्रेटेजी इसमें शॉर्ट करने के लिहाज से बनाई जा सकती है। आप सवाल ही नहीं समझे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आशीष जी, देखो शॉर्ट तो जुगलबंदी चार्ट कॉर्नर हर तरह के इनके कॉल आ गए, तो ये तो गिरना तो पक्का ही, इनको सील का लगवाएंगे ये बताइए आप?
अनिल जी, जैसे मेरा भी ये मानना है कि ये स्टॉक सबसे पहली सील तो शायद 162-160 पे बनेगी और जो दूसरी सील है वो शायद 152-154 के आसपास बननी चाहिए। आप शो में ज्यादा क्यों नहीं आते, हर रोज आएंगे? इतने बढ़िया और इतने बड़े टारगेट आप देते, आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अनिल जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ आशीष जी से, सील देखिए हमको आज ही लगवानी है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपने कॉल दिया होता तो इंट्राडे में किस टारगेट पे आप आज की सील लगी 3:29 बिल्कुल बनती भाई, आज की एक सील तो बनती है। आईआरबी इंफ्रा में लाइए भाई सील नंबर 1, एक बार तो लगाई दीजिए। 171 6-7 रुपए गिनना तो